आपने दीदी पहले कहा था कि युवाओं को तो और आगे बढ़ चढ़ कर आना चाहिए सत्संग में, धर्म के कार्यों में। तो जैसे युवाओं का अगर सबसे बड़ी भटकाव की बात की जाए तो युवाओं के जीवन में सबसे ज़्यादा आता है पाश्चात्य संस्कृति का सबसे ज़्यादा प्रभाव हमें कहीं देखने को मिलता है तो वहीं मिलता है। तो ये किस कारण से युवाओं में सबसे ज़्यादा इस तरह का जो भटकाव रहता है वो रहता है, और युवाओं से जो, क्योंकि बहुत सारे युवा हो सकता है अपना अध्ययन कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, नौकरी की तलाश में है, नौकरी ढूंढना चाहते हैं, कहीं ना कहीं जीवन बनाना चाहते हैं, तो जो सत्संग रहता है, जो धर्म और आध्यात्म की बातें रहती है, वो उनके जीवन में जो वो पाना चाहते हैं उसमें कितनी मदद कर सकता है? अगर आएंगे, एक तो सत्संग सुनने ही नहीं आते, सत्संग सुनने आएंगे तब तो फायदा मिलेगा, जब तो आएंगे नहीं तो कैसे फायदा मिलेगा। जाना चाहिए ऐसे जगह और जाकर के बैठना चाहिए, कुछ समय निकालो उसके लिए, समय निकालो। और शास्त्र जो पढ़ने के लिए लिखने के लिए कहते हैं वो भी पढ़ना लिखना जरूरी है। हमारे हिंदू धर्म में क्या क्या है, अपने अपने धर्म के बारे में जानकारी होती है, और प्रैक्टिकल साधना कैसे करें, हम क्रियात्मक रूप से साधना कैसे करें उसका नॉलेज होता है। और एक अपने दिनचर्या में साधना को शामिल कर दिया जाता है। दिन में हम कम से कम आधा घंटा समय दें इसके लिए, मेडिटेशन के लिए भी, तो मेडिटेशन करने के लिए कहा जाता है वहाँ पर, तो वो करने से फ़ायदा होगा। ऐसा नहीं खाली सत्संग जाने से फ़ायदा नहीं होगा, वहाँ जाने भी जो कहा जाता है वो किया जाता है तब जाके फ़ायदा होता है। जब उसे अपन अपने जीवन में अपनाते हैं तो आपके जीवन में लाभ आता है। सुनना चाहूँगा कोई भी बात जो आप हमसे शेयर करना चाहें चैनल के माध्यम से युवा वर्ग को स्पेशली, कि आप कुछ भी संदेश देना चाहें। प्रतिदिन अपने दिनचर्या में मेडिटेशन करना चाहिए, जिस भी भगवान में रुचि हो, और सबसे बड़े हैं कृष्ण भगवान, तो राधा कृष्ण, या तो राधे राधे हमारे यहाँ प्रचलन है, तो राधा कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए। सब सर्वोपरि देवता है राधा कृष्ण, तो उनको मानने से और मेडिटेशन करने से, ध्यान करने से शक्ति मिलेगी, ताकत मिलेगा, पावर मिलेगा। क्योंकि सबसे बड़ी बात है आजकल पावर नहीं है किसी के पास भी, किसी ने कुछ कह दिया तो बुरा लग गया, किसी ने कुछ, माँ ने ही डांट दिया, पिता ने ही डांट दिया तो बुरा लग जाता है, तो ये पावर की कमी से ऐसा होता है। जैसे जैसे हम भक्ति करेंगे, भक्ति करने से हमें पावर मिलेगी। जी बिल्कुल सही बात है कि हम भक्ति करते हैं तो ईश्वर हमें शक्ति प्रदान करता है, और जिस तरह से ध्यान की बात आपने कही, तो अगर आप स्टूडेंट हैं, आप कुछ भी कार्य करते हैं तो ध्यान आपको, आपकी मदद करता है उस कार्य को पूरा करने में।